नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज आपको एक नई चीज सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको अरिष्टकारी शनि के गोचर के बारे में जानना बताऊंगा कि शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए कष्टकारी हो सकता है कि नहीं। तो आज हम आपको अरिष्टकारी गोचर फल में शनि के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसी सूत्र को मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। बहुत अच्छा सूत्र है और आप समय से पहले सतर्क हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं कि हाँ ये समय मेरा खराब है, इस समय में मुझे मानसिक रूप से तैयार रहना है। यह जो समय होगा यह आपको दुख, दर्द, दुर्घटना, मृत्यु भी दे सकती है, रोग शोक दे सकता है। अब इसमें दो चीज़ें लागू होती हैं जो अनुभव जन्य है, जो महसूस किया गया है। या तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं या आपके किसी निकट संबंधी को, आपके घर में परिवार में भी हो सकता है। जब इस सूत्र का समय आएगा तब तो इस सूत्र के माध्यम से आपको क्या पता चलेगा कि दुख, दर्द, दुर्घटना, मृत्यु, रोग, शोक आपके साथ कब घटित हो सकता है। आपको भी दुख दर्द देगा और आपके परिवार में या आपके निकट संबंधियों को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, संतान के लिए भी दुख दर्द वाला समय होता है। तो आप लोग इस सूत्र को आजमाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ ऐसा आपके साथ या उस समय में आपके परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, ज़रूर बताइएगा। चलेंगे सूत्र को हम आपको समझाएंगे कि क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। अपनी लग्न कुंडली आपको लेनी है, लग्न कुंडली आपके सामने रहे और बहुत ही सरल तरीके से आप समझ जाएंगे क्या करना है। पहले आपकी कुंडली है आपके सामने, कुंडली में आप हमेशा जानने रखिए कि जो लग्न कुंडली ऊपर लिखी होती है उसके नीचे जो पहला चतुर्भुज होता है, फर्स्ट स्क्वायर जो होता है, इसी को पहला घर बोलते हैं। जहाँ कुंडली में एक नंबर की गिनती लिखी होगी उसी को पहला घर नहीं बोलेंगे कि जहाँ एक नंबर लिखा हुआ पहला घर है। लग्न कुंडली में सबसे ऊपर का चतुर्भुज पहला घर है, तो ये हो गया आपका पहला घर। इस सूत्र में हमें ज़रूरत पड़ेगी छठवें घर की, तो पहले घर से गिनते हुए जाइए छठवां घर, 1 2 3 4 5 6, सबकी कुंडली में छठवां घर यही होगा। आप छठवें घर पे पहुंच जाइए इस सूत्र को जानने के लिए कि कौन सा समय दुख, दर्द, दुर्घटना, मृत्यु, शोक का समय कौन सा होगा और क्या उपाय करना है, यह भी मैं बताऊंगा। तो आप छठवें घर पे पहुंच जाइए। सबसे पहले हर एक घर में कोई ना कोई गिनती लिखी होती है। आपकी कुंडली में जहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी है उस घर का स्वामी सूर्य है, जहाँ 4 नंबर की गिनती लिखी है उस घर का स्वामी चंद्रमा है, जहाँ कुंडली में 1 और 8 नंबर की गिनती लिखी है उसका स्वामी मंगल है, जहाँ 3 और 6 नंबर की गिनती लिखी है उस घर का स्वामी बुध है, जहाँ 2 7 नंबर की गिनती लिखी है कुंडली में उस घर का स्वामी शुक्र है, जहाँ कुंडली में 9 और 12 नंबर की गिनती लिखी है उसका स्वामी गुरु है, और जिस घर में 10 और 11 नंबर की गिनती लिखी है उसका स्वामी कौन है, शनि है। तो इस कुंडली में, इस सूत्र में आपको छठवें घर में आना है और छठवें घर में जो गिनती लिखी गई है उस गिनती को नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में छठवें घर में कौन सी गिनती लिखी है, 9। ऐसे आपकी कुंडली में इस छठवें घर में 1 से 12 के बीच में कोई गिनती लिखी होगी, जो गिनती लिखी गई है उसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद उस गिनती को यहाँ पे मिलाइए कि उसका स्वामी कौन सा है। यहाँ 9 है तो स्वामी कौन हुआ, गुरु हुआ। ऐसे अगर आपके छठवें घर में 2 नंबर की गिनती मान लीजिए लिखा है,
तो दो का स्वामी यहां ढूंढिए कौन है, दो का स्वामी शुक्र है। तीन नंबर लिखा है तो तीन का स्वामी कौन है, बुध है। इसी प्रकार से आपको यहां पर नोट कर लेना है। छठवें घर में कौन सी गिनती है, उसका स्वामी कौन है, नोट कर लीजिए। अभी यहां पर स्वामी कौन आया, गुरु। अब आपको देखना है कि कुंडली में गुरु कहां बैठा हुआ है, जो छठवें घर का स्वामी है वो पूरी कुंडली में कहां बैठा है। इस घर में छठवें घर का स्वामी गुरु है, जो कि कहां बैठा हुआ है, यहां पर, जहां पर बैठा है वहीं पर गोला कर लीजिए, दशम भाव में बैठा है। तो छठवें घर का स्वामी जहां बैठा है उस स्थान को नोट कर लीजिए, और वहां से खष्टेश जिस राशि में है, खष्टेश माने छठवें भाव का स्वामी जो होगा वो खष्टेश होगा। खष्टेश जिस भाव में है या जिस राशि में है, तो भाव या राशि एक ही हो जाएगी, तो जिस भाव में है ये हो गया, राशि में है उससे त्रिकोण में, त्रिकोण किसको बोलते हैं, जहां ग्रह बैठा है उससे पांचवा घर और नौवा घर त्रिकोण होता है। तो आपके छठवें घर का स्वामी जो आया वह जहां बैठा है उसको गोला कर लीजिए, और वहां से पांच और नौ घर आगे गिनिए। गुरु यहां बैठा है तो यहां से पांच गिनिए, एक दो, आपकी कुंडली में जो ग्रह आएगा उससे आप गिनिएगा। यहां पर गुरु आया तो मैं गुरु से पांच घर गिनूंगा, एक दो तीन चार पांच, एक घर ये आया, ठीक। दूसरा नौ गिनना है, पांच हो गया, छ सात आठ नौ, एक यह हो गया। तो ऐसे आप जहां पर छठवें का स्वामी बैठा है वहां से पांचवा घर और नौवा घर गिन लीजिए। उस घर में कौन सी गिनती लिखी है, लिख लीजिए। यहां पर पांच नंबर की गिनती लिखी हुई है, और नौवें घर में कौन सी गिनती है, नौ। अब एक चीज यहां पे आपको जानना होगा, गिनती मतलब क्या होती है, राशि। यहां पांच और नौ नंबर की राशि आई, जब शनि गोचर करते हुए पांच नौ नंबर की राशि पर आएगा तो ऐसे जातक के किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाएगी, या उस जातक को स्वयं भारी शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अब अगर गिनती करते हुए एक नंबर जो गिनती होती है, एक नंबर की गिनती को मेष बोलते हैं, डायरी में उतार लीजिए। आज मैं आपको गिनती और राशि बताता हूँ। एक नंबर की गिनती मतलब मेष होता है, दो मतलब वृष होता है, तीन मतलब मिथुन होता है, चार मतलब कर्क होता है, डायरी पर उतार लीजिए इसको, पांच मतलब सिंह होता है। अभी सूत्र आगे बचा है, उपाय भी बचा हुआ है। पांच मतलब सिंह, छह नंबर की गिनती मतलब होता है कन्या, सात नंबर की गिनती मतलब होता है तुला, आठ नंबर की गिनती मतलब होता है वृश्चिक, मतलब वृश्चिक राशि, नौ नंबर की गिनती मतलब होता है धनु। ये क्या है, जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन को यच लिखते हैं, ऑक्सीजन को वो लिखते हैं, ऐसे राशियों का ये संकेत होता है। धनु राशि का संकेत चिन्ह क्या होता है, नौ। ऐसे दस नंबर की गिनती को क्या बोलते हैं, मकर। ग्यारह को बोलते हैं कुंभ, और बारह नंबर की गिनती का मतलब होता है मीन। तो अब यहाँ पर पांच और नौ आया था, तो पांच नंबर माने कौन सी राशि हो गई, सिंह। नौ नंबर मतलब हो गया धनु। तो जब भी शनि सिंह राशि या धनु राशि पर आएगा तो ऐसे जातक को, यहाँ पर जहाँ गुरु बैठा हुआ है उस राशि को भी जोड़ लेंगे। गुरु बैठा है मतलब, गुरु मतलब आपका छठवें घर का स्वामी जो आया वह जहाँ पर बैठा उसको, कहाँ बैठा है, एक नंबर की गिनती पर, तो मेष भी जोड़ लेंगे, आप में जो आएगा उसको जोड़िएगा। तो जब भी गोचर में शनि इन राशियों में जाएगा, मेष में जाएगा, पांच माने सिंह में जाएगा, नौ मतलब धनु में जाएगा, आपकी कुंडली के अनुसार जो आया है आप उसे जानिए, जब भी उन राशियों में जाएगा तो दुख दर्द दुर्घटना मृत्यु रोग शोक होगा, आपको शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट, या आपके परिवार में किसी की दुर्घटना रोग शोक होगा जिसके कारण आपको मानसिक कलेश हो जाए। इतना तो तय है कि कलेश जरूर होगा, वह अपने शरीर को लेकर होगा कि किसी परिवार के सदस्य को लेकर होगा, होगा जरूर इस समय के आसपास में। अब कैसे पता चले कि शनि का गोचर कहाँ है,
अभी शनि मकर राशि पर चल रहे हैं, 10 नंबर की गिनती पर। तो जिसकी जिसने गुणा भाग किया हो और 10 नंबर आया हो वो लोग सतर्क रहें। गूगल में आप बोल के पूछ लीजिए, जो जो आपकी गिनती आई है उसको आप डायरी में नोट कर लें और गूगल में पूछ लीजिए कि शनि इस राशि में कब जाएगा, शनि इस राशि में कब जाएगा, गूगल आपको बता देगा। तो आप समझ जाइए कि वह समय होगा, बीता हुआ समय है तो आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। अब ऐसे में करना क्या चाहिए, जब आपका शनि इन राशियों पर जाए, अरिष्टकारी राशियों पर जाए, तो शनि का उपाय करना चाहिए। पहला उपाय तो यह है, शनि का मंत्र ओम ओम सन शनैश्चराय नमः, ओम सन शनैश्चराय नमः का जप करवा लेना चाहिए। 1,02,000 मंत्र ब्राह्मण से जप करवा के हवन करवाना चाहिए, या फिर सरसों का तेल शनिवार को दान करना चाहिए संकल्प करके। तो ये अरिष्टकारी शनि के गोचर के बारे में मैंने बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, मैं आपके लिए गजब गजब के सूत्र लाता हूँ और मेहनत करता हूँ आपके लिए। आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण।